दूसरी बात ये रही बात गाने की, जो सॉन्ग हमने शूट किया, जो पहले साइड किया हमने तुम्बा यार का सॉन्ग ना, तो इसके लिए जब उसके नाम पहले तुम्हारे बैठे हैं, प्रोड्यूसर बैठे हैं, एलएलबी सर बैठे हैं, पूरी टीम के साथ डिस्कशन किया गया, फिर इसके ऊपर हमने स्टोरी के ऊपर काम किया जब हम, तो स्टोरी के माध्यम से हमने वो चीज दिखाई कि है तो के इंसान, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो ईसाई है, लेकिन धर्म सभी एक चीज बताते हैं। उसी गाने के थ्रू हमने एक चीज दिखाई कि धर्म कोई भी हो, लेकिन रास्ता एक ही है कि परमात्मा एक है। तो इस गाने के अंदर जब हमने स्टोरी वर्क किया, तो स्टोरी वर्क के अंदर भी हमने ऐसा दिखाया कि एक जब लड़की दरगाह से निकलती है, हर इंसान का अपने अपने कर्म होते हैं ना, तो एक ऐसा कर्म रहता है इस गाने के अंदर कि जब उनके एक एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद एक ऐसा भी इसके अंदर इंसान दिखाई हमने कि एक दोस्त रहता है जो उसको उठाता है, जो इंसान क्योंकि आजकल बहुत एक्सीडेंट होते हैं तो कोई किसी को उठाता नहीं, तो इसके अंदर एक एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट के अंदर जब समर सर बैठे हैं, समर भाई ने वो उठाकर उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाते हैं, लेकिन जो लड़की का भाई रहता है उसको कुछ भी नहीं पता रहता है कि अभी मेरी बहन को अभी तो दरगाह से नमस्तक होकर बाहर जा रही थी, अभी उसके साथ ये सब सदमा हो गया ना, तो वो क्या है जब वहां तक पहुंचते हैं सॉन्ग के माध्यम से, जब तक अंडे के तक पहुंचते हैं तो वहां पे एक मैजिक होता है, क्योंकि लड़की से डेड बॉडी हो जाती है, तो वहां पे ये फरियाद करते हैं, वो वहां पे दिखाया कि परमात्मा की पावर क्या है, ताकत क्या है ना, तो फरियाद करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन वहां से एक मैजिक होता है कि वो मैन की डेड बॉडीज पड़ी होती है, तो उनके ऊपर मैजिक थ्रू उनके अंदर फिर से एक ज्ञान आती है, ज्ञान आने के माध्यम से जैसे ही जाते हैं तो वहां पर शुक्र गुजार करते हैं कि हाँ सच में इस दुनिया में ईश्वर है, मानना ना मानना लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ईश्वर है, ये चीज हमने तो मैसेज दिया इसके अंदर कि सॉन्ग अच्छा जाएगा, बाकी देखने के बाद जो पब्लिक है आपने पब्लिक से पूछा जाएगा। लवली भाई हम सारे डायरेक्टर साहब से लेकर प्रोड्यूसर साहब ने सुनील खान हो सही उसकी बातें सुनी, लेकिन आपने कैमरे का एक अहम रोल अदा किया, और कैमरा एक ऐसी चीज होती है जो पिक्चर बताता है, यानी कि जो रोल इन्होंने लिखित में दिया उसको आपने कैमरे में कैप्चर किया, जनता को मैसेज दे दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है और आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए एकजुटता की, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ एसकेएम एयरपोर्ट का, जिन्होंने मुझे इसका मौका दिया, बहुत अच्छी स्टोरी जयपुर साहब ने लिखी जो मुझे बताई और मैंने इसको कैच करने की कोशिश की है, और बाकी जनता बताएगी कि इसका क्या अच्छा बना है क्या बुरा है, ये जनता फैसला करेगी। लेकिन दूसरी जगह पे हम करेंगे कि ऐसा ऐसा है, पर बोलते ना खुदा जहाँ चाहता है वही वही बनाता है, वो सब चीज वही ये करता है, सब चीज ऐसा है कि हम ढूंढ रहे थे जगह, ढूंढ रहे थे लोकेशन, ढूंढ रहे थे हमको, हमारे खुदा ने, अल्लाह ने, हमारे नबी ने हमको मतलब थिंकिंग दी कि वही चलो यहाँ कर ले, तो हमारे मौलाना साहब है जिन्होंने हमको बहुत बहुत साथ दिया, और इन्होंने 1% भी सोचा नहीं कि ये कौन से कास्ट के लोग हैं, ना हमारा भी सोचा है ना हिंदू सोचा है ना कौन सा, इन्होंने इतनी इज्जत दी हमें वहां पे और हमको इतना बढ़ावा दिया, 2 दिन पब्लिक आना जाना ये सब, रात के टाइम को हमको चाय पानी की कोई भी तकलीफ ना होने दी यहाँ पे उन्होंने, सुबह हमको फजर को भी उन्होंने बहुत साथ दिया, जहाँ पे नमाज का टाइम होता है वहां पे उन्होंने भी हमको हैंडल किया, हमने उनको हैंडल की, हमको वो चीज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया कि यहाँ पे हमको समझ में आया कि भाई यहाँ पे मुसलमान हिंदू कुछ नहीं होता है, काम काम होता है और अल्लाह एक ही है, भगवान एक ही है, तो यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप करो ये सब जात बात कुछ बीच में ना लाओ और सब एकता से आगे बढ़ो। पूरी टीम आपको बताया कि पूरी युवा टीम है, सही किरदार की बात करें, सही डायरेक्टर साहब की बात करें, सारे ही करीब 25 साल से नीचे के हैं, और उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हिंदू मुस्लिम को साथ मिलकर एक समाज के तौर पर एक साथ रहना चाहिए, भगवान एक ही है और वो है ऊपर वाला, तो आपको इस टीम के साथ काम करने में कैसा लगा? माशाल्लाह इन लोगों ने बड़ी मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया,
और इस गाने के जरिए से इस दुनिया को बहुत अच्छा मैसेज दिया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई जो इस चीज की राजनीति करते हैं उनको इंसानियत के बारे में पहले सोचना चाहिए। इंसानियत है तो इंसान जिंदा है, और अगर इंसानियत नहीं है तो इंसान मुर्दा है। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आ सकते तो हमें हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा गुलदस्ता है जहां पर अलग अलग तरीके के फूल खिलते हैं और उन फूलों के अंदर अलग अलग खुशबू होती है और अलग अलग लोगों को पसंद किया जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब भी कहीं रोड पर एक्सीडेंट होता है या किसी चीज की जरूरत पड़ती है या ब्लड की जरूरत पड़ती है तो कभी इंसान ये नहीं पूछता, ये कभी नहीं कहता कि मेरे लिए हिंदू का फूल लाना या मेरे लिए मुसलमान का फूल लाना। बस उसको उस टाइम इस चीज की जरूरत होती है कि कैसे भी करके मेरे सपने को ब्लड मिल जाए, कैसे भी खून मिल जाए, उसकी जान बच जाए। तो उस टाइम पर कोई ये नहीं सोचता कि मेरे लिए धर्म ज्यादा जरूरी है या इंसानियत ज्यादा जरूरी है। सबके लिए इंसानियत पहले है, धर्म बाद। ममता जी, अभी सागर जी ने और डायरेक्टर साहब ने तुम्बा यार का गाना रिलीज किया और उसका पोस्टर भी आया, उस साथ में भी गाना हमें सबको सुनाया भी, तो आपको कैसा लगा और जो टीम वर्क है उसका काम कैसा लगा? मैंने जब से ये गाना देखा है मुझे इसको बड़ा अच्छा लगा है। इसमें एक मैसेज दिया गया है कि हम इंसानियत आज भी हमारे अंदर जिंदा है, और जैसे ही जैसे हमारी जो जो आर्टिस्ट थी उनको जो चोट लगी है बिना धर्म के जाने, जाति पाति को ना देखते हुए हर धर्म के लोगों ने उसकी बिना सोचे समझे हेल्प की। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप इंसानियत अपने अंदर आज भी जिंदा रखें, क्योंकि चाहे देखो आज उनको चोट लगी है, हो सकता है कल हम उनकी जगह हो। मैं तो यही कहना चाहूंगी आज की जनरेशन जो है हर वक्त टीवी में मोबाइल में घुसी रहती है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप उसको छोड़ के इंसानियत अपने अंदर ला के, जैसे हम कहीं जा रहे हैं मानो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट को उसमें कोई भी हो सकता है, अगर हम जा रहे हैं हम रूल्स ट्रैफिक रूल्स हम फॉलो नहीं करते हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, क्या पता उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो। लेकिन अगर हम ये चीज फॉलो करते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं उनको, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। कमल जी, अभी जो आपको बताया कि आज पूरे दिन की आप उसको छोड़ के इंसानियत अपने अंदर ला के, जैसे हम कहीं जा रहे हैं मानो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट को उसमें कोई भी हो सकता है, अगर हम जा रहे हैं हम रूल्स ट्रैफिक रूल्स हम फॉलो नहीं करते हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, क्या पता उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो। लेकिन अगर हम ये चीज फॉलो करते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं उनको, तो हमें ना उनकी हेल्प करनी चाहिए। कमल जी, अभी जो आपको बताया कि आज पूरे दिन की काफी सारे आने टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया, तो बाकी सारे ने दस ही दिता भी इन्होंने आप गाने की किया है। तो मैं भी यही चाहता हाँ कि सारा कुछ भुल के अपना एक अच्छा इंसान बन के सानू सारे एक दूजे की हेल्प करनी चाहिए है। तो जिस तरह असं गाने दिखाने का कोशिश की है, तो साढ़े डायरेक्टर साहब ने बड़े वधिया तरीके काम किया, तो साढ़े लवली भाजी ने बड़े प्यार उन्होंने बड़ा एक मन की तरह परोता सारिया चीजें। बस और बाकी साड़ी सारी टीम का थोड़ा सारा दा दिलो धन्यवाद करना जो जेडे आए हैं। तो कपिल जी, आप सागर जी के साथ रहते हो और पूरी आपने टीम वर्क के साथ में काम भी किया और अहम रोल भी अदा किया, तो टीम के साथ काम करके कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं सभी को इंस्पायर करना चाहूंगा, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग बैठे हैं और जो गाना रिलीज हुआ है वो एक मैसेज देता है कि हम सबसे पहले इंसान हैं, उसके बाद सब कुछ है।
मैंने गाने में रोल भी किया है और मैंने अगर मैं इस गाने की समीक्षा करूं तो ये गाना इतना अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, ये पूरे समाज के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए और हमारे पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक संदेश है। और मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए। गाना रिलीज हुआ है तुम्बा यादगार जी, आपने देखा जी, कैसा लगा, तो क्या मैसेज देना चाहते हो या कमेंट्स के माध्यम से दर्शक है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पायल जी बहुत अच्छे इंसान है सबसे पहले, और सागर जी ने बहुत अच्छा एक्ट किया है, बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है हमारे बड़े भाई, और पूरे टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। मैकपा जी बहुत अच्छे डायरेक्टर है और मैं जितनी सोच रखता हूँ उससे कई गुना ज्यादा अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। और पूरी टीम को सबसे पहले मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई, और आज सॉन्ग रिलीजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि पायल जी इतना अच्छा काम कर रही है, अच्छे अच्छे न्यू आर्टिस्टों को लॉन्च कर रही है और आगे आर्टिस्टों को बढ़ा रही है, ये मेरे दिल से इनको बधाई है ढेर सारी। और सूफी सॉन्ग रिलीज किया है या तुम्बा यारदा, तो बहुत अच्छा सॉन्ग है, मैंने सुना है, और इसमें छोटा सा एक एक्ट पायल जी ने गेस्ट के रूप से मुझे बुलाया तो मैंने वो रोल किया, और पीरों की दरगाह पे शूट हुआ है, इससे बड़ी मेरे लिए खुश नसीबी की कोई बात ही नहीं है कि मैंने इतना अच्छा काम किया है इसके अंदर। तो बस दर्शकों यही कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करें, आशीर्वाद लें और अच्छे अच्छे काम करते रहें, माँ बाप का दिल ना दुखाए। जय हिंद, जय भारत।